दोस्तों भारतीय टीम वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की शुरुआत 16 फरवरी से होगी। सीरीज के सभी मुकाबले कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके लिए भारतीय टीम कोलकाता पहुंच भी चुकी है। दोस्तों बात करें इस मुकाबले की तो यह मुकाबला बहुत जरूरी होने वाला है। आगे वर्ल्ड कप है, दो दो वर्ल्ड कप होने की वजह से और कप्तान रोहित शर्मा की नई कप्तानी की वजह से टीम इंडिया को यह मुकाबले जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम अपने आप को सही साबित करने के लिए इन मुकाबलों में बेशक अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले टीम इंडिया में 5-5 महाप्रयोग हो रहे हैं, 5-5 नए खिलाड़ी अंदर बाहर हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों ओपनिंग में ही एक महाप्रयोग होने वाला है। ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा के साथ ऋतुराज गायकवाड़। यहां पर एक महाप्रयोग दोस्तों देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 3 नंबर पर विराट कोहली, यहां कोई चेंज नहीं, लेकिन 4 नंबर पर फिर से जहां पर केएल राहुल खेलते थे वहां पर एक बार बड़ा महाप्रयोग होने वाला है। सूर्य कुमार यादव को मौका मिल रहा है दोस्तों। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पर भी एक बड़ा चेंज है। सूर्य कुमार यादव जहां खेलते थे वहां श्रेयस अय्यर खेलेंगे। 6 नंबर पर कोई बदलाव नहीं है ऋषभ पंत। 7 नंबर पर दीपक चहर और 8 नंबर पर फिर से दोस्तों कोई बदलाव नहीं है, वहां पर शार्दुल ठाकुर को खेलना तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों 9 नंबर पर फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव, चौथा बड़ा बदलाव, यहां पर खेलेंगे आवेश खान। जी हां दोस्तों, आवेश खान खेल सकते थे पर उनको कुछ चोटिल होने की वजह से अब हर्षल पटेल खेलेंगे, एक और बड़ा बदलाव। वहीं दोस्तों 5वां और आखिरी बड़ा बदलाव बात करें तो भुवनेश्वर कुमार के बाद आगे अजयन चहल खेलेंगे, यानी कि सिंगल और केवल एक स्पिनर के साथ भारतीय टीम उतर रही है। तो एक स्पिनर एक बहुत ही बड़ा महाप्रयोग माना जा रहा है। टीम इंडियन पिचेस पर एक स्पिनर साथ उतरना बहुत ही घातक साबित हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम इस रिस्क को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि बेहतरीन बात है, क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारियों में है और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या यह प्लेइंग 11 बेहतरीन है? क्या इस प्लेइंग 11 के बदौलत भारतीय टीम मुकाबले जीत पाएगी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।